नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबीज ब्लॉग फन एंड मस्ती। कैसे हैं आप सब? हम हो चुके हैं रेडी, मतलब मैं ही रेडी हुई हूँ। मेरे दोनों बड़े और छोटे कौशिक तो अभी सो के ही उठ रहे हैं। मतलब हर्षित तो अभी देखिए कंबल भी यूं ही पड़ा है, हर्षित अभी अभी जस्ट उठाया सो के। टाइम की अगर बात करूँ तो 10 बज रहे हैं, बारात भी आ चुकी है और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। ब्रेकफास्ट में था आज आलू की सब्जी विद मज़ेदार पूरियाँ और साथ में था बूंदी का रायता। तो मैं तो जा रही हूँ शादी में, ये दोनों आराम से आते रहेंगे। ये देखिए एक इधर बैठे हैं आराम से और इधर एक सो के उठ रहा है। ये देखिए गुड मॉर्निंग। ये हमारा फेवरेट स्टॉल है फ्रूट चाट का। हो जाओ शुरू। ये भी नहीं, ये दो आ जाओ। बहुत क्यूट लग रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में। जैकेट का उद्घाटन भी कर लिया, बड़ी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। इस साइड को टर्न करना जरा। वाह खूबसूरत महिला है ये, कोटगढ़ वाली। खाने पीने लगे हैं सब लोग, कल का कम खाया था इन्होंने। ये हमारी दीदी जी थोड़ा सा कम खाया था इसलिए वापिस जो है पूरा कर रहे हैं। कल की जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति हो रही है। कल थोड़ा पेट ठीक रह गया था, थोड़ा सा कम। दुल्हन जा रही है वरमाला के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हूँ इस वक्त शादी वाले घर के बाहर। हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, स्नैक्स खा लिया है। ब्रेकफास्ट हमने पहले ही कर लिया था और अभी जयमाला होने जा रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, मिलवाती हूँ खूबसूरत सी दुल्हनिया से। दुल्हन तो वैसे भी खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट ब्राइडल गेटअप में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी जयमाला होने जा रही है। ये देखिए हमारी दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है ब्राइडल गेटअप में। तो हम उधर से वरमाला इंजॉय करेंगे। यहाँ पे काफ़ी क्राउड है, जगह नहीं मिल पा रही है हमें। ये देखिए कितना भीड़ है। और इधर है वेदी के लिए मंडप बना है। हमारी भी, दूल्हा दुल्हन की भी। और इधर देखिए दुल्हन बैठ चुकी है मंडप में फेरे लेने के लिए। हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये रहा मेरा हैंडसम सा बेटा हर्षित के पापा ने, और हर्षित ने सेम ड्रेस पहनी है। वो रहे कौशिक जी, दोनों सेम लग रहे हैं आज। वो पीछे आइसक्रीम खा रहा है। देखिए फ्रूट चाट तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। फास्ट फूड के काउंटर लगभग फिनिश कर दी हैं लोगों ने क्योंकि अब लंच की तैयारियां हो रही हैं। ये देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पे दूल्हे की तरफ से जो शगुन दिया जाता है दुल्हन के लिए वो दिया जा रहा है, जो रस्में होती हैं। देखिए सब लोग बैठे हैं मंडप में क्योंकि थोड़ी देर में फेरे स्टार्ट हो जाएंगे। और धूप इतनी कड़क है कि क्या बताएं, टेंट के अंदर ज़्यादा धूप लग रही है क्योंकि हवा भी नहीं आती है। तो जी
शादी का हॉल कुछ ऐसा है कि बैक साइड में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है और इधर खाने के स्टॉल लगने स्टार्ट हो गए हैं लंच, और हम डांस इंजॉय कर रहे हैं। एक बंदा बहुत बढ़िया डांस कर रहा है खा पी के, मैं आपको दिखाती हूँ जरा। लंच टाइम हो रहा है, 1 बजे का टाइम हो रहा है, खाना खा लेते हैं। देखते हैं जरा क्या क्या है। चीज है थोड़ा सा, नहीं नहीं अभी बाद में देती हूँ। ये क्या चीज है? रोंगी। नहीं कोई नहीं, आप रायता दे दो। थोड़ी सी टेस्ट कराओ मुझे रोंगी इस तरफ। सख्त हो रहा है 5:30। लंच करने के बाद हम थोड़ी देर लेट गए थे, अनिल जी भी सो गए थे, मैं भी सो गई थी, रेस्ट कर लिया था क्योंकि बाहर थी बहुत ज़्यादा कड़क धूप, बहुत तेज़ धूप थी, बाहर रुका नहीं जा रहा था, टेंट के अंदर ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हम थोड़ी देर लेट गए, और अभी अगर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊँ, सन्नाटा है, बस डीजे चल रहा है, 4-6 बच्चे नाच रहे हैं, बाराती लोग सारे वापस जा चुके हैं, खाना वाना क्लोजिंग हो रही है मतलब, और अभी थोड़ी देर में आधे घंटे में विदाई होने वाली है दुल्हन की, दुल्हन जाएगी अपने घर। लड़कियों का भी ऐसा ही है भाई, जहाँ लाइफ टाइम तो चलो कोई भी कहीं कहीं है, मतलब अजीब सा लगता है थोड़ा सा विदाई का सोच के, पर चलिए। बराती लोग जितने भी आए थे सब जा चुके हैं अपने अपने घर, और गेस्ट भी ऑलमोस्ट जा चुके हैं, बस परिवार के ही हैं, थोड़े बहुत लड़के हैं परिवार के, यहाँ के जो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं रिश्तेदार हैं वो दुल्हन को छोड़ने जाएंगे ससुराल तक। यही होती है रस्में। देखिए हर एक गाँव की, हर एक कल्चर की, मतलब मैंने एक चीज़ देखा है कि हर एक गाँव में अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। जब मैंने इस शादी में फेरे की रस्में देखी तो थोड़ा सा मुझे अलग लगा, हमारी साइड ऐसा नहीं होता है। तो अब अपना रिवाज अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट रस्में देखना बहुत अच्छा लगता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए, बैक साइड में बहुत तेज साउंड आ रही है। मुझे दिन भर इतने अच्छे गाने चल रहे थे, बहुत बढ़िया गाने, और साथ में हो रहे थे डांस, अलग अलग लोग नाटियाँ डाल रहे थे। कोटगढ़ की नाटी तो भाई बड़ी फेमस है, एक जैसे रेशा पहन के और सेम सेम से स्टेप देके, बहुत अच्छा लगता है उनकी नाटी देखना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज तो। और इसीलिए मैंने, मतलब मन तो करता है कि मैं आपको प्रॉपर दिखाऊं गाने के साथ, बट कॉपीराइट की वजह से मैं दिखा नहीं पाती और मुझे वो साउंड म्यूट करना पड़ता है। मन तो करता है, अभी भी बाहर बहुत अच्छे मतलब डांस चल रहा है, गाना चल रहा है, 4-6 बच्चे हैं हमारे मोहल्ले के, बढ़िया डांस कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे तो खूब इंजॉय करते हैं। हर्षित तो सुबह से लेकर बस खेल ही रहा है, हम तो फिर भी रेस्ट कर लिए थे क्योंकि खाने के बाद ना सुस्ती पड़ जाती है और गर्मी तो है ही। तो चलिए आज की शादी का भी बस एंड होने वाला है, विदाई देखेंगे फिर वापस अपने घर आ जाएंगे, फिर वही एज यूजुअल डेली वाली लाइफ। कोविड के बाद ये 1-2 शादियां हैं, कोरोना के बाद मेरे मायके वाली शादी थी और सेकंड ये मैरिज है जो हमने काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली इंजॉय की है। तो चलिए बाहर चलते हैं, मैं दिखाती हूँ ज़रा आपको बाहर का व्यू। ये देखिए यहाँ तो कचरा फैला है, सब क्लोजिंग होने लगी। ये देखिए बर्तन बर्तन मांजने स्टार्ट कर दिए इन्होंने, क्लोजिंग होने लगी।